बर्तमान 5T मैंने कौन 5 Tamilian आ बुड़ी जाऊवा डा को छाड़ आसीगला समस्त को अनुरोध कर समस्ते बीजेपी को भोट दिव दीज देकर डबल इंजिन सरकार ये हम एवं आज भी कौच BJD अर्थरा कौन बुड़ी जाऊवा डा से निश्चय बुड़ब तेणु ये विकसित होकर बाहर बीजेपी तेणु विकसित जनता पार्टी को आम समस्ते आसवा उचित आ बुड़ी जाऊवा डा को छाड़ आसीगला आज यशस्वी प्रधानमंत्री कौन कहते June 4 हूँ एक्सपायरी डेट तेणु से डा बुड़ ही बुड़ से समस्त मोर अनुरोध समस्ते आमर एटी बीजेपी को दीटा जगह जिड़े तुम्हें गोटे प्लेयार ना गोटे बोरो प्लेयार को आते हुईसिल बाजी को डरु नेचुरली एक चाटिया भोटा जीवन ना तेणु एथर महाराणी श्रीमती संगीता सिंहदेवर पद्मफुल चिन्ह एक तो यशस्वी प्रधानमंत्री अच्छा लोक जानते जे बर्तमान मुझे गोटे छोटिया उदाहरण आपको दूसरी गोटे थर आमर चीनी 20 टकर बिक्री होता हठात 11 टा खसीगला लोन रिस्ट्रक्चरिंग होवार आवश्यकता पड़ा भारत वर्ष निजे जाते महाराजा मत थे महाराणी सांगे नहींक MP था अफिसर पाक जाइली एवं लोनटा रिस्ट्रक्चरिंग होता तेणु मुझ्लाइज ना नहीं विश्वास से रखी जेहेतु मुझे विश्वास मत भरोसा देते विश्वास देते तेणु से विश्वास मुझे प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे ना नहीं तेणु आम समस्त जी अच्छा चीनी कलर जो मैंने मोर एम्प्लयिज थे चाषी थे समस्त कनसल्टेसन कर समस्ते लगे समस्ते कौन सी लोक कारण समस्ते बर्तमान चाहिए तुम आज विषयटा 31,100 टाँचा तुम हम MSP कटनी छटनी हम ना यह कौन बड़ जिनस आम ना चाषी अंश तेणु से दृष्टि आम बीजेपी सागर समस्त रहा ये हूँ आग को आग रेस जीणवार घोड़ा अन्य कहीं रही पारे ना BJD जीव निश्चिंत हम ये कारण आप देखूँ बर्तमान 5T मैंने कौन 5 Tamilian से मैंने तुमको शासन करेंगे से आसिकर रे आज कौन से कहते नहीं ना 2 कोटी तुम कड़े गला भूली जाऊँच पांडियन से तो से नए आसिक करागला नहीं 2004 मसीह 2009 मसीह से कही गोटे आम एम्प्लॉयमेंट मिशन करूँ प्रत वर्ष 2 लक्ष लोक चाकरी देव कड़ेगला नवीन बाबू कही ओडिशा सरकार गोटे एम्प्लॉयमेंट मिशन कर 2 लक्ष लेखा प्रत वर्ष चाकरी देव आज को जो आप हिसाब करेंगे 15 गुणे 30 लक्ष लोक चाकरी हवा कथा कड़े गला से तुम लक्ष्मी डुगरी रे से कही गोटे सेकेंड नंदनकानन करी है ना तो मुझे जो पचार कहते कहले ना बर्तमान आउ जूपाई दिहे परमिशन दिहन तुम जो मनोबल था तुम सिफ्टिंग अफ एनिमल्स कह लोक आठ रखी पार न था तेणु कहीदे हम नहीं जो कहते कथा कम कम बेस ठीक तार उल्टा से अच्छा कारण जो जमी जल जंगल कथा कह सरकार को आमी बर्तमान आ ठीक ना आंध्र नहीं जाऊँ समस्ते माड़ी आल ठीक ना बर्तमान तुम जो कैचमेंट एरिया कमी कमी जाऊँ से दृष्टि जमी जल एवं जंगल अवक्ष चलीजे कौ कथा रहा से दृष्टि लोक धीरे धीरे अतिष्ठ है गोटे एभली गोटे इनर करेन्ट चली इन फेवर ऑफ BJP ता मैंने कल्पना भी करा जाई पारिबो नै जो मैंने आम राजनीति सब पाणीपाग जाणी था समस्त राजनीति पाणीपाग जानुथवा लोक जानुछन्ते जे इन फेवर ऑफ BJP गोटे इनर करेन्ट जाऊँ से करेन्ट को आई अटक रोक पारे ना निश्चित भाव में स्वरे जदि जे चाहिए से सही स्वरे भाषे से दल रे गोटे मैनेजमेंट थी लोक एमती राग रस हो पड़ौन थे एवं पड़ौं डाकिले शुणुना तेणु सीटा गोटे अवक्ष आरंभ हबार यहाँ हूँ बड़ सूचना एवं से मैंने बर्तमान सब जगार विद्रोह सृष्टि होनटा 4टा कहीं कहीं क्या बुझे पार ना MLA मैंने डेईं डेक पलाऊँच MP डेईं डेक पलाऊँच तेणु यही जना पड़ी बुझा पड़ी जे यहाँ बर्तमान से विचित्र जनता दल रंगाटा बुड़ाक जाऊँ आगुरी कही कौन सी MLA MP लाभ लोभ में मुझे
ଦଳ କୌଣସି ଦଳକୁ ଯିବେ ନାହିଁ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବାର ଲାଗି ଲାଗିଛନ୍, ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ପାଟଣା ମହାରାଜ କେ ବି ସିଂ ଦେଉଜୀ, ମହାରାଣୀ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂ ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ନେତା ହେଇପାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେତା କରିକି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବନ୍ଦ ଚିହ୍ନିକରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଚାଲିବ। କୋର୍ଟ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଏଣ୍ଡୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ହେଙ୍କି ପେଙ୍କି ହେଇନାହିଁ, ସେ କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ 70 କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିଦେଇଥିଲୁ, 97 କୋଟି, ଆଉ 27 କୋଟି ଥିଲା ସେମାନେ ପରିଶୋଧ ନକଲେ ନେଲା ପରେ ସେଟା ସେମାନେ ଦେଇ। ଆଜି ନୂଆ ଯୁବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାରାଜା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ହେଇକରି ଭୋଟ୍ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ୱେଲକମ୍ କରାହେଇଛି, ଯେତିକି ନୂଆ ଭୋଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିକି କୁହାଗଲା ଯେ ଆଜି ସେମାନେ ଜାଣିଲେ, ପ୍ରଥମ କରିକି ଜାଣିଲେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ଏବଂ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ, ମହାରାଜ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଏରିଆରେ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର ବି କରିବେ ଯେ ଦେଖ ଆମକୁ ଆଜି ନୂଆ ହେଇକି ସ୍ୱାଗତ କରିଛୁ, ଏବଂ ସେଇଟା ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଭୋଟ୍ଟା ଦେବେ। ଏବଂ ଯୁବବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ଆଜି କାହିଁକି ପାଟଣାଗଡ଼ଟା ପଛେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ପାଟଣାଗଡ଼ ପଛେଇବାର କାରଣ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ତର୍ଜମା କରି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଥର ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ରେ, ବହୁ ଭୋଟ୍ରେ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ୍ଟାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଇକରି ଯିବେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ପାଟଣା ମହାରାଜା ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ସାରା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କେବିଜି ବୋଲିକି ଡାକନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ତଳରୁ ଉପର ଯାଏ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦଳର ଭାରି ପଦରେ ସବୁବେଳେ ରଖିଛି ଦଳ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ସହିତ ରଖାହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ମୋର କାହିଁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ମହାରାଣୀ ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ଜିଣିବେ, ଜିଣିକରି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦ ମିଳିବ ବୋଲି କାହିଁ ମୋର ଅନୁମାନ ହେଉଛି, ମୋର ଅନୁମାନ କେବେ ମିଛରେ ଯାଇନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି, ଏବଂ ମୋତେ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଭାବରେ, ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ହେଇ ଭଳିଆ କରିପାରିଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜ କୃତଜ୍ଞତା ସେଭଳି ଭାବରେ ଦେଲି ବୋଲିକରି ବିଚାର କରିବି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନରାତି ଲାଗିକରି ପରିଶ୍ରମ କରାଯିବ।